हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। पीवीआर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक नए उम्मीद के साथ आपकी आज एक नई क्लास होगी। और साथियों, इतना याद रखना, ये क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी बेसिक कॉन्सेप्ट की दृष्टि से। इसलिए सिलेबस देख लेना डीएलएड का। जो लोग कहते हैं कि भाई हम डीएलएड नहीं पढ़ते हैं तो ये क्लास का है देखें। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने देखा होगा आलू देखा होगा ना, उससे बहुत सारी सब्ज़ियाँ बनती हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे आलू के साथ तो टमाटर मिलाया जाता, फिर बैंगन हम क्यों मिलाएँ, है ना। और आलू के साथ परवल बनाया जाता है तो आलू के साथ हम दूसरी सब्ज़ी क्यों बनाएं। तो मतलब आप कुल मिलाकर के ऐसे समझिएगा कि जैसे आलू के साथ में हर एक सब्जियों को साथ में बनाया जा सकता है, उसका बहुत कुछ बनाया जा सकता है, चाट पकौड़ा से लेकर के टिकिया जो भी बनता होगा। उस तरह से ये जो आप सिलेबस देख रहे हो ना, इसका लोगो और थंबनेल तो डीएलएड का होगा, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट सभी के लिए होगा। इसलिए क्लास को पूरा देखना, बीच में मिस ना करना। पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड में वो होगा करड़ी। करड़ी मतलब आप जानते हो रूट, जिसमें हम रूट के बारे में पढ़ेंगे, अंडर रूट के बारे में। जैसे अगर आपको बोला जाए कि अंडर रूट टू का गुणा अंडर रूट टू में होगा तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो क्या होगा, भाग देंगे तो क्या होगा, ये सब हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर में। अभी पढ़ा नहीं रहे, अभी हम आपको सिलेबस दिखा रहे हैं, जल्दी से देख लो एक मिनट के अंदर बस। दूसरा, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल की अवधारणा पढ़ेंगे, जैसे 4 का वर्गमूल 2 और 2 का वर्ग 4। इस तरह से घन में बात करें, अगर 6 का घन 36 और 36 का वर्ग घनमूल क्या होगा, छः का जो घनमूल होगा वो 6 6 36, 6 का 216 होगा लगभग ना, और 216 का घन करोगे तो 6 आएगा, है ना, ये तो होता है। तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। घन घनमूल हो गया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर एंड क्यूब, ठीक। किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव का वर्गमूल ज्ञात करना। देखो साथियों, आप लोगों ने वर्गमूल बहुत देखा होगा, 117 का वर्गमूल निकाल लोगे कुछ भी आएगा, लेकिन अगर आपको 1.39 का वर्गमूल निकालना है तो कैसे करोगे, ये सब भी हम इसी कोर्स के अंतर्गत सीखेंगे। और हर दिन क्लास देखना, अब हमारी कोशिश होगी ये क्लास आपको सुबह 4 बजे मिल जाया करेगी। 4 बजे के बाद आप इसे चाहे जब देख लेना, जो लोग कॉलेज जाते हैं वो सुबह उठ के 5 बजे देख लें, 6 बजे देख लें, चाहे जब देख लें, शाम को 9 बजे देखिए, रात में 10 बजे देखिए, चाहे जब देखिए। पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल मतलब देखिए, पूर्ण घन संख्याओं का जो लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, पूर्ण घन संख्याओं का तथा पूर्ण वर्ग संख्याओं का घनमूल, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याओं का और पूर्ण घन संख्याओं का वर्गमूल। एक वर्ग है एक घन है, ठीक ना, ये वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब समझना जरा थोड़ा सा, जैसे 12 का अगर हम लोग वर्ग करें तो 144 आता है ना, 144 आता है, 144 का अगर हम वर्गमूल कर दें तो 12 आ जाएगा ना, यानी कि 144 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन उसी तरह से अगर 169 बोलें तो 169 का वर्गमूल निकालोगे तो 13 आएगा, यानी कि 169 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन अगर हम बोलें 141 तो क्या 141 का कोई वर्गमूल होगा, 12 13 8 की तरह कुछ आ जाए, ऐसे कुछ नहीं होगा ना, मतलब 141 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस तरह से अगर 216 की बात करें तो उसका घनमूल 6 आ जाएगा, लेकिन 215 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो हम ये सब इसमें पढ़ेंगे। संभावनाओं का दैनिक जीवन में प्रयोग या संबंध ये भी पढ़ेंगे। संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी, जैसे कहते हैं पास होने की प्रोबेबिलिटी है भाई, आप टिकट बुक करते होगे उसमें लिखा रहता है CNF प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब एक प्रकार से संभावना, मतलब हो सकता है। देखिए, अगर आप RRB या DLED के एग्जाम में बैठते हैं तो 2 संभावना हो सकती है, एक तो आप पास हो सकते हैं, दूसरा आप फेल हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ भी एक अपवाद चलता है, कुछ लोग बैक लग जाता है, बैक का मतलब एक प्रकार से फेल ही समझिए, ठीक ना। तो मतलब समझना। और एक बात आपको बता दें साथियों, आप लोगों को याद होगा पिछली साल की भांति आप लोगों को भी 25 में 25 मार्क्स DLED में स्कोर करना है, क्योंकि PVR स्टडी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पूरा का पूरा पूर्णांक लाते हैं, हमने आपको रिजल्ट दिखाया था, है ना। अगर आप DLED की क्लास हमारे साथ पूरा कोर्स देखेंगे तो हम आपको एकदम घोल के पिला देंगे, बस इतना जानना कि कभी ना भूलने वाला चीज़ें बताएंगे आपको, ठीक ना। अभी भाग के मत जाना, बहुत कुछ दिखाना है अभी। तो इसमें हम लोग संभावनाओं का दैनिक जीवन से संबंध पढ़ेंगे, यानी कि प्रायिकता पढ़ेंगे। जैसे अगर एक पासा को उछाला जाता है तो उसके 6 खाने आने की संभावना कितना होगी, प्रायिकता कितना होगी, ये सब हम बहुत अच्छे से विस्तृत पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा इसमें हम लोग पढ़ेंगे, 0 30 40 45, ये सारे कोणों के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग इन सबको भी ध्यान से देखना, ठीक ना, पूरा देखना त्रिकोणमितियों के बारे में। जैसे आपसे पूछ लिया जाए अगर परीक्षा में
कि साइन तीस अंश का मान क्या होगा, तो कैसे बताओगे? रटना नहीं, बिल्कुल हम आपको याद करने वाला तरीका बताएंगे, नहीं आपको समझने वाला तरीका बताएंगे, ठीक ना। साइन 190 का मान कितना होगा, साइन 180 का मान होगा, साइन 120 का कितना होगा, ये सब आप रट जाएंगे एकदम से, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के, बस हमारे साथ बने तो रहना ना आप। तो ये आपका हो गया कौन सा, सातवां वाला हो गया। छठवां, अवर्गीकृत यानी अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य माध्यिका और बहुलक, मॉड मीडियन, ठीक है। मीडियन वगैरह भी हम लोग पढ़ेंगे माध्यिका। जैसे कहा जाए कि एक स्कूल में 7 बच्चों की आयु जो है वो 15, 22, 28, 35, 30 वर्ष है, तो उसकी माध्यिका बताओ क्या होगा, ये सब हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। अभी तो ये आधा सिलेबस है, आधा पूरा देख लेना अभी और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसलिए आप अगर DLED में नहीं है फिर भी इस क्लास को देखना, सुबह 4 बजे से आपको ये क्लासें पब्लिश कर दी जाएंगी, सुबह 4 बजे से। अगला चैप्टर देखना, नंबर 8वां, लंब वृत्तीय बेलन तथा शंकु की अवधारणा तथा इनका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ। ध्यान से देखना, ये सब बिल्कुल हिंदी में होगा, कुछ वर्ड की आपको इंग्लिश भी बताएंगे अगर नहीं समझ में आएगा, जैसे बेलन मीन सिलेंडर वगैरह, ठीक है, और वृत्त मीन सर्कल। तो साथियों इसमें हम लोगों को ऐसे कुछ सवाल मिलेगा जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, और कहा जाएगा इस बेलन की यदि ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई त्रिज्या जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो इस बेलन का आयतन बताओ, इस बेलन का क्षेत्रफल बताओ, ये सब वगैरह वगैरह ऐसे कुछ सवाल आएंगे इसमें, ठीक ना। हमने आपको थोड़ा सा डेमो बताया है। तो अगला देखना, आप लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर इक्वल के रूप वाले समीकरण का हल तथा द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो का हल गुणनखंड विधि से। अरे वही जिसको गुणा कर दें तो 5 आए, जोड़ दें तो 7 आए, ऐसा कुछ वाला पढ़े हो ना। दो अज्ञात राशियों वाले रैखिक समीकरण यानी कि युगपत समीकरण, दो अज्ञात राशियों वाले मतलब जैसे यक्स में वाई जोड़े तो 7 आए, इस तरह का समीकरण भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा बेसिक कॉन्सेप्ट की दृष्टि से, और DLED के 4 सेमेस्टर के लिए तो एकदम संजीवनी होगा, इसलिए पूरा क्लास देखना, भागना मत। समलंब का क्षेत्रफल पढ़ेंगे हम लोग, एरिया ऑफ समलंब, इसके अलावा वृत्त की परिधि एवं व्यास से संबंध तथा वृत्त का क्षेत्रफल, ये सब कुछ हम बहुत ही अच्छे से और गहराई के साथ पढ़ेंगे, इसलिए क्लास को पूरा देखना और बीच में मिस कतई ना करना, अभी देखते जाओ और क्या है इसमें। सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये, किसी भी परीक्षा में हो आप, कोई भी काम कर रहे हो। देखिए साथियों इसमें हम लोग बहुत ही और भी अन्य चीज़ें पढ़ेंगे, चतुर्भुज का अर्थ पढ़ेंगे, इनके विकर्ण, सम्मुख भुजाएं, संलग्न भुजाएं, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे आप जानते हैं हर एक आयत और वर्ग चतुर्भुज होता है, अगर कोई लाइन ऐसे कोना से कोना मिला दें तो ये विकर्ण होता है ना। तो इन सभी के बारे में अवधारणाओं को हम लोग पढ़ेंगे, इनके रूल पढ़ेंगे, नियम कानून पढ़ेंगे, कैसे क्या होता है इनमें, इसलिए पूरा क्लास को देखना, यहाँ पर अभी नहीं बता सकते हैं। सम्मुख तथा बाह्य कोणों का बोध भी पढ़ेंगे, जैसे आपने देखा होगा कहीं अगर ऐसे कोण बने हैं और इसमें ऐसे बने हैं, अगर ये कोण जो है मानते हैं कि आपका 185 डिग्री है तो कहते हैं ये कोण क्या होगा, इसके लिए कोई रूल लगता है, ऐसे अपने से नहीं आता है। जैसे कहते हैं ना एकांतर कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण जो है एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, ऐसा कुछ रूल आपने पढ़ा होगा ना परमी वगैरह, तो ये सब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, इसलिए इन क्लासों को ज़रूर देखना। नंबर 14 चैप्टर है चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, जैसे वर्ग एक चतुर्भुज है, आयत एक चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, ये सब हम लोग इसमें प्रकार पढ़ेंगे, और इनका प्रयोग कहाँ होता है इसका प्रयोग करके सत्यापित भी करके आपको दिखाएंगे कैसे होता है। जैसे कहा जाए कि किसी वर्ग की सम्मुख भुजाएँ आपस में जो हैं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, चारों भुजाएँ बराबर होती हैं, तो इसको सिद्ध करके दिखाएंगे कि क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, क्यों आप कह सकते हो कि होती हैं। जैसे कहा जाता है आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो क्यों होती हैं, ये किस आधार पे आप कहते हो बराबर होती हैं, ये सब हम इसमें सिद्ध करके देखेंगे, ठीक ना। उसके नीचे पढ़ेंगे चक्रीय चतुर्भुज तथा चक्रीय बिंदु की अवधारणा। ये इतना सारा चैप्टर यानी कि एक प्रकार से आप एडवांस और बेसिक सब कुछ DLED के लास्ट सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में सीख जाओगे, और ये पूरा गारंटी के साथ आपको सिखाया जाएगा। अगर आप कंप्लीट DLED का मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लें, आप सारी क्लास व्हाट्सएप पर पाएंगे। इसके इन सभी पूरी कहानी के लिए आपको मात्र 549 रुपये का पेमेंट सिर्फ एक बार करना होगा, जो लोग पूरा करना चाहते हैं
जो लोग लगता है कि भाई फालतू का पैसा लूट रहे हैं वो बिल्कुल ना करें, एक भी रुपया ना दें। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन करके रखें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पीवीआर स्टडी को लाइक और फॉलो करके रखें। वहाँ पर जो क्लास बिल्कुल मुफ्त की होगी सभी को मिलती रहेगी, प्यार से देखते रहिएगा, लुत्फ़ उठाते रहिएगा, एक भी रुपया पेमेंट नहीं करिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ा जाए, कुछ नया किया जाए, तो थोड़ा सा सहयोग करें जिससे कि हम आपके लिए और भी बेहतर तरीके से क्लास ला सकें और आपकी सुविधाओं को बढ़ा सकें। तो इन्हीं बातों के साथ साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आज की क्लास जो है यहीं पर ख़त्म होती है। सारा कॉन्सेप्ट आपने नोट कर लिया होगा, इसको एक कॉपी में लिख लीजिए। अगर हम कोई चैप्टर छोड़ करके दूसरे चैप्टर में आ जाते हैं तो आप कह सकते हो कि सर आपने वो चीज़ नहीं बताया, ठीक ना, इसलिए हमने आपको सिलेबस दिखा दिया है। अब बताइएगा जिन लोगों का सिलेबस इससे मिलता जुलता नहीं है, वो लोग कमेंट करेंगे कि हमारा सिलेबस अलग है। लेकिन एक बात याद रखना, रूप अलग हो सकता है, तरीका अलग नहीं होता है, कॉन्सेप्ट सीखना है आपको, ठीक ना, बात समझ रहे हो ना। जैसे आपको नानी के घर जाना है तो आपको वहाँ जाना है, आप कैसे जाओगे, पैदल जाओगे, साइकिल से जाओगे, बस से, ट्रेन से, किससे जाओगे, ये मायने नहीं रखता है। ये मायने रखता है कि आपको वहाँ पहुँचना है, बस, बात समझ रहे हो ना। तो बस उसी तरह से ये सिलेबस होता है। अगर चैप्टर नहीं मिल रहा है सेम टू सेम तो हैरान नहीं होना, केवल कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई जो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ लगेगा वही आपके में भी लगेगा। आपके में हो सकता है 2 की जगह 5 दिया हो, इसमें 5 की जगह 7 दिया हो, गिनती बदल सकती है, तो रहेगा वही सब, ठीक ना। चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू। इन्हीं बातों के साथ बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, एक बार फिर से जय हिंद जय भारत। देखते रहिए आपका अपना पीवीआर स्टडी, और जाते जाते इस क्लास को लाइक करके जाइएगा और दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा जिससे कि हर कोई इस क्लास को देख सके। एक बार फिर से थैंक यू, नंबर को नोट कर लीजिएगा, भूलिएगा ना, ये व्हाट्सएप का नंबर है, फ़ोनपे का नंबर है, गूगल पे का नंबर है, हर एक नंबर, मतलब एक क्लास एक नंबर।